एडुग्रोन टेक फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल पे। यार अगर आप टीचर हो तो यार ये चैनल आपके लिए है। आज अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डेट इज़ पावर पॉइंट पे नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसको फिर वीडियो में कैसे यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, ये सब हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो जनरली यार प्रीवियस कुछ अपने वीडियोज़ में, मतलब अपने चैनल पे मैंने प्रीवियसली काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किया है, लाइक एज अ प्रोफेशनल टीचर किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, है ना। बहुत सारे जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, लाइक अन अकेडमी की बात कर लें, वेदांतू हो गया, बायजूस हो गया, है ना, एडुग्रोन अपना खुद हो गया, है ना। तो ये सब जो चैनल्स हैं ना, ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियो को रिकॉर्ड्स कर, तो OBS स्टूडियो को ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। तो उस पर मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट चेक करो OBS स्टूडियो की, पूरी आपको कंप्लीट किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो आपको आइडिया मिल जाएगा। नाउ आज अपन व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं। अब टीचर है तो यार आपको पढ़ाने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए होगा ना, जहाँ पे आप चीज़ें लिखी हो, आप वहाँ पे लिख सको, पढ़ा सको, है ना। तो उसको अपन व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है, कुछ देर पहले ही मैंने बना के अपलोड किया है, दैट इज़ 7 बेस्ट फ्री व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, है ना। तो उसमें मैंने थोड़े बहुत आपको डिटेल में बता दिया, उसमें ये भी मैंने बताया था कौन सा एप्लीकेशन अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट। बट यार वन बाय वन मैं सबको यूज़ करके नोट्स बना के आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप भी उस सॉफ्टवेयर से यूज़र फ्रेंडली हो सके। तो सबसे पहले अपन पावर पॉइंट से शुरू करेंगे। देखा जाए तो एक तरीके से सबसे बेस्ट व्हाइट बोर्ड यही है पावर पॉइंट। आप फालतू में किसी दूसरे व्हाइट बोर्ड के चक्कर में पड़े रहते हो, सबसे बेस्ट आपका यही है पावर पॉइंट। एक तो यार इससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने स्लाइड्स बना सकते हो पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आप इसमें लिख सकते हो, इरेज कर सकते हो, है ना, काफ़ी चीज़ें किया जा सकता है इसमें। तो वो कैसे करते हैं आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं, एक नोट्स बना के आपको दिखाऊंगा। देन बहुत के टीचर्स को नहीं आता पावर पॉइंट पे काम करने, तो एज अ टीचर जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें ही सिखाएंगे। पावर पॉइंट पे बहुत कुछ किया जा सकता है, बट मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा। तो यार लेट नहीं करते हैं, पावर पॉइंट को शुरू करते हैं। ये सबके लैपटॉप में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रहता है। मेरा जो है 2016 वर्जन है, आपका 2012, 2010, 2019 कोई भी हो सकता है, सबका सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। बस थोड़े थोड़े फंक्शंस एडवांस आ गए हैं, बट वो डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सर्च टैब है उसमें सर्च कर लेना है पावर पॉइंट और उसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये ऑलरेडी सबके पास रहता है, सबके लैपटॉप पीसी में, ठीक है। आप ऑन करोगे तो यहाँ पे शुरू में आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब वाइट ब्लैंक पेज चाहिए आपको, या फिर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो जनरली वाइट पेज वाला ही चूज़ किया करो, डबल क्लिक करोगे तो और ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो पहला लुक पावर पॉइंट का कुछ इस तरीके से रहता है ना, ये आपका फ्रंट पेज है। अब यार बहुत टीचर्स को वाइट पेज पे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है ना, तो आप यहाँ पे कोई, बहुत लोग क्या कहते हैं, ग्रीन बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, कोई लोग ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, फिर उस पर कंटेंट लिख के पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अपना गूगल ओपन कीजिए और सर्च कीजिए लाइक ग्रीन बोर्ड, ठीक है। मैं ये ग्रीन बोर्ड सर्च करके ओपन कर रहा हूँ, है ना, ग्रीन बोर्ड। तो सर्च कर लीजिए, इमेजेस पे चले जाइए और काफ़ी सारे इस तरीके के ग्रीन बोर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मेरे को ये वाला ग्रीन बोर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, तो अपन इसको कर लेते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट ड्रैग करके पावर पॉइंट में इस तरीके से ड्रॉप कर दें। तो भाई ये लोड हो रहा है, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो पीछे की जो चीज़ें हैं उसको पहले तो हटा देते हैं, जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करके डिलीट दबा देते हैं, डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप जैसे इस इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करना है फॉर्मेट पे और यहाँ पे क्रॉप कर लेना है इसको। क्रॉप का भी ऑप्शन यहाँ पे पावर पॉइंट में मिलता है, अच्छी तरीके से इसको आराम से इस तरीके से सेट करके क्रॉप कर लीजिए लाइक दिस, और इसको आप कर लीजिए क्रॉप पे, फिर अगेन क्लिक करेंगे ये हो गया, और आप फिर इसको इस तरीके से अपने पेज पे इसे एडजस्ट कर लीजिए। एक तो तरीका ये है लाइक दिस, ओके। क्या मस्त आपकी स्लाइड हो गया। अगर मैं स्लाइड शो पे क्लिक करके इसको यहाँ पे करूँ तो ये देखो क्या मस्त दिख रहा है। आप इस पे यहाँ पे पेन लाओ और जो भी चाहो यहाँ पे लिख के आप पढ़ा सकते हो,
यहाँ पे पेन टाइप का ऑप्शन आता है, कोई भी कलर चूज करो। अब बड़ी आसानी से इस पे मस्त तरीके से लिख के जो चाहे वो पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये तो पहला प्रोसेस हो गया, एस्केप कीजिए आप वापस से आ जाएंगे। तो ये तो पहला है, बट आप नेक्स्ट पेज कैसे ऐड करें यार, इसमें नेक्स्ट पेज कैसे ऐड करें, तो यहाँ ऊपर में होम पे क्लिक कीजिए, न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आएगा आप कोई भी टाइप का ले सकते हैं, ब्लैंक ही लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे आ गया। बट यार सर क्या मुझे हर स्लाइड में ये फ़ोटो को ऐड करना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बार ऐड कर दें, जितना स्लाइड लाऊँ सब में ऑटोमेटिक ऐड रहे, कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं डिलीट, ये मैंने कर दिया डिलीट, है ना। अब जो फ़ोटो था इस फोटो को, है ना, कोई देखते हैं कोई क्रॉप वर्जन वाला फ़ोटो है क्या कि मुझे इसको क्रॉप करना पड़ेगा, या फिर अपन इसको यूज़ कर लें। नहीं ये अच्छा नहीं है, और कोई इमेजेस कोई चूज़ करते हैं ग्रीन कलर में, जस्ट वेट यूज़ कर सकते हैं क्या करा ये। ओके ये थोड़ा सा ज़बरदस्त लग रहा है, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज पे क्लिक करते हैं और इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेना है, ये मैंने कर दिया। अब मैं अपना पावर पॉइंट को ऑन करता हूँ। ओके यहाँ पे डिज़ाइन पे जाना है, डिज़ाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके आपको जो पिक्चर है उसको इंसर्ट कर लेना है, जो भी आपके डेस्कटॉप में लगा हुआ है। जस्ट वेट, वर्क टाइम क्लिक कर दो। ओके यहाँ से ब्राउज कर लेना है, ये ओपन हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेव किया था हमने, ये रहा, इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर लें, तो ये हमारा आ गया, है ना। अब इस तरीके से आया, ये साइड से थोड़ा थोड़ा कट रहा है नीचे से, है ना, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कि ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप, है ना। और साथ ही साथ इस पर टेक्सचर वगैरह हट, ऑफसेट की बात करते हैं तो इस तरीके से आप तो सेट कर सकते हैं, ये माइनस में है तो इसको थोड़ा सा अपन प्लस में करते हैं क्योंकि तो ऊपर ज़्यादा जा रहा था ये। इस तरीके से ये कॉर्नर भी सेट हो गया, इसको भी कर देते हैं माइनस, नीचे से भी सेट लाइक दिस, इधर से भी थोड़ा सा इसको भी अंदर भेज देते हैं नंबर। उसके बाद यहाँ अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, जितना भी आप पेज लोगे ना हर पेज पे ये देखो आता जाएगा। यहाँ पे होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड पे चलते हैं, ये आ गया ना, सब बना बनाया स्लाइड आ गया। अब ये हिलेगा भी नहीं, आप कुछ काम करोगे। अब क्या, अब दूसरा आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, यहाँ शेप में जाओ, यहाँ से टेक्स्ट ये ले लो और यहाँ पे आप ले लो चैप्टर का नाम डाल देते हैं ना, तो चैप्टर टू, है ना, कंट्रोल ऑल दबा के इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं हम इस तरीके से। कलर इसको देते हैं वाइट कलर, ज़्यादा इस पर अच्छा लगेगा, तो बोल्ड कर लेते हैं लाइक दिस एंड अंडरलाइन। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज भी आप कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, फॉन्ट कोई अच्छा डिज़ाइनिंग चाहिए आपको लाइक ये अच्छा लगा। चैप्टर टू, फिर से टेक्स्ट यहीं पे होम पेज, एक बार यूज़ करोगे ना जो भी चीज़ें यहाँ आती जाएगी, होम पे अगेन ले लो, चैप्टर का नाम लिखना है, तो फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है, कंट्रोल ऑल दबा के इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा इस यहाँ से तरीके से अब। ओके कंट्रोल ऑल दबा के इसका कलर आप कुछ भी ले लो, येलो कलर लेना है येलो ले लो, बोल्ड कर दो और लाइक दिस, ये भाई आपका सेट हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप कोई इस चैप्टर का नोट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो, है ना, जो भी चाहे इमेजेस लगाना है, जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड इमेजेस लगाना है, तो मैं कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इस चैप्टर का कॉपी करते हैं गूगल में और यहाँ से आप कोई भी इमेजेस लाइक दिस, कॉपीराइट इमेजेस यूज़ मत करना, है ना, जैसे बहुत इमेज के नीचे ना उस जो भी जिसका इमेज रहता है तो उसका वहाँ पर टाइटल वगैरह, तो वैसे इमेजेस यूज़ मत करना वरना कॉपीराइट वगैरह आ जाए। जैसे आप इस पिक्चर पे देख सकते हो शटर स्टॉक का यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप इसको यूज़ करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो लाइक दिस ये फ़ोटो को अपन यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, अपन इसको ड्रैग और इधर ड्रॉप कर लेते हैं, ये हमारा आ गया फ़ोटो, है ना। इसको थोड़ा इस फोटो पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं तो थोड़ा इस तरीके से डिज़ाइनिंग दे देते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट हैं, अलग अलग लुक दे सकते हो फोटो को, सर्कल कर सकते हो, इस शेप में दे सकते हो,
तो यार मैंने इस फोटो को यहाँ कहीं पे कोने में सेट कर दे दिया है ना। बाकी कोई राइटअप चाहिए वो राइटअप आप यहाँ पे फिर टेक्स्ट लो, और इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी हैं लाइक इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ चैप्टर का, कंट्रोल और बोल्ड येलो कलर जो भी है। एरर आ रहा है तो राइट क्लिक करके एरर हटा लेते हैं। ये आ गया इंट्रोडक्शन, यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं इसकी, थोड़ी छोटी कर देते हैं इंट्रोडक्शन, कलर रेड कर देते हैं। ओके अब जो भी चाहिए आपको इस चीज़ पे, आपको जो भी चाहिए ऐसे लिख लीजिए ठीक है इस तरीके से। फिर अगला साल अगला लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, अगली पॉइंट चाहिए आपको तो ऐसे। आप मस्त तरीके से नोट्स इस पे बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं ठीक है। मैं कुछ दिखाऊंगा अभी आपको, जस्ट वेट लाइक दिस है ना। और इसको आप सबको एक एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, नोट्स कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं से गूगल से, यार बहुत सारे इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे गूगल पे है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ऐसा दे देता हूँ बोल्डिंग टाइप का, कलर चेंज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है तो वाइट कलर बोल्ड करके साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा लाइक दिस। ओके ये हमारा बन गया। अब इसको आप स्लाइड शो पे जाइए, इसको आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जब पढ़ाने के लिए जब स्लाइड शो ऑन करोगे ना, आप ऑन करोगे तो देखो ये इस तरीके से आएगा, क्या मस्त क्रिस्टल क्लियर है। आप कितने अच्छी तरीके से अपना कोई भी पेन करके इसको इस तरीके से पढ़ा सकते हो है ना, समझा सकते हो कि ये देखो भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, क्या मस्त व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। इससे बेस्ट कुछ है यार, कुछ नहीं है है ना। एनिमेशन भी कर सकते हो, एनिमेशन कैसे किया जा सकता है देखो यार, मैं एनिमेशन करके दिखाता हूँ। लाइक चैप्टर टू ये इस पर क्लिक करते हैं, एनिमेशन पे चलते हैं, यहाँ से इसको काफ़ी सारे एनिमेशन हमारे पास है, इतने सारे। ये है एंट्रेंस का एनिमेशन, ये एम्फेसिस पे का, ये एग्जिट का ठीक है। तो अपन एंट्रेंस का एनिमेशन दे देते हैं लाइक दिस, ये इस तरीके से आएगा। इसको एनिमेशन देना है तो इसको एनिमेशन देते हैं लाइक ये इस तरीके से आए। हमारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है जो इस तरीके से आए। उसके बाद हमारा जो पहली लाइन है, तो पहली लाइन चाहिए तो पहली लाइन को सेलेक्ट करो और पहली लाइन को अपन इस ये देते हैं, ये आ गया पहली लाइन आएगा। पहली लाइन पढ़ाने के बाद दूसरी लाइन आएगा लाइक दिस है ना। दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन लाना है तो तीसरी लाइन को सेलेक्ट कर लो लाइक दिस। उसके बाद चौथी लाइन चाहिए तो इस तरीके से, उसके बाद पांचवी लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इमेज चाहिए आपको तो इमेज सेलेक्ट कर लो लाइक दिस। अब मैं आपको इसका एनिमेशन करके दिखाता हूँ है ना। तो ये देखो मैं बटन आपको नेक्स्ट बटन दबाते जाना है, कीबोर्ड से या माउस से भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। मैं नेक्स्ट बटन दबाता हूँ, ये देखो चैप्टर टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। ये रहा पहला पॉइंट, तो यार केमिकल रिएक्शन ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पढ़ा लो। सेकंड पॉइंट लाइक दिस, ये यूज़। और इसी बहाने आपको कुछ पेन का यूज़ करना है तो आप मस्त यूज़ कर सकते हो कि यार ये ऐसा होता है, ऐसा है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ठीक है। मैं अभी माउस से लिख रहा हूँ, पेन टैब आपके पास है तो बड़ी अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे ठीक है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट बटन दबाओगे तो ये आप पॉइंट आ गया, नाउ दिस, नाउ ये फोटो। कितने अच्छे तरीके से आप वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे है ना। तो इससे बेस्ट व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर तो यार मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं। आप लोग फालतू में दूसरा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में पगलाए रहते हो है ना। इस तरीके से नंबर ऑफ आप इमेजेस वो बना सकते हो। अब एक मैं बना के रखा हूँ, वो मैं आपको फाइल दिखाता हूँ ठीक है। अब आप ये देखिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैंने नोट्स रेडी किया है, ब्लैकिश टाइप का हल्का इस तरीके का ब्लैक बोर्ड का इमेज लगाया है ना बैकग्राउंड में। और ये देखो क्या मस्त धांसुड़ नोट्स मैंने बनाए। अगर आप इसको प्ले करके देखोगे, स्लाइड शो में चलते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से प्ले करते हैं तो देखो क्या मस्त दिख रहा है ना। थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैंने बनाया है, ये कोई टफ नहीं है बनाना यार, बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। आधी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे बस आपको लग सकता है कि सर ये एनिमेटेड कैसी, ये हिलती डुलती चीज़ें कैसी दिख रही है, ये कैसे आपने बनाया है ना, ये हिलती डुलती चीज़ें आपने कैसे बनाया सर, ये जरा ये बना बता दीजिए। बाकी ये तो एनिमेशन बता ही दिया हूँ, ये बटन दबाने से इस तरीके से आना है ना, क्या धांसुड़ तरीके से देख रहे हो, क्या जबरदस्त ये बना हुआ है। ये सर कैसे बनाया आपने, चलो बाकी सब तो सर मैंने सीख गया, ये एनिमेशन कैसे लाया आप, ये हिलता डुलता ये कैसे आ रहा है। यार कुछ नहीं है, इसको जिफ इमेजेस बोलती है, इमेज ही है ये, देखो इमेज है ये इमेज है ना। ये देखो ये भी हिल रहा है, ये भी इमेज है, ये देखो इमेज है, ये भी इमेज है, ये सब है ना। तो सर ये हिलता डुलता इमेज कैसा है, यार देखो टॉपिक से रिलेटेड इमेज है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना,
चैप्टर का नाम है। तो मुझे चैप्टर में कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर से एनिमेटेड चाहिए। तो कुछ नहीं, आप गूगल में जाइए और एटम लिख, एटम जिफ, जिफ फाइल बोलते हैं इनको, हिलता डुलते इमेजेस को जिफ फाइल बोलते हैं। आप इसको एटम जिफ क्लिक करोगे तो ये देखो यार, मैंने यहीं से उठाया, ये देखो क्या धांसुड़ी ये है ना। जस्ट इसको पकड़ो या इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर फोटो की तरह काम करेगा। एनिमेटेड चाहिए तो इसको पहले राइट क्लिक करके सेव कर लो कहीं डेस्कटॉप पे, फिर आप इंसर्ट करना वैसे करो, या दूसरा डायरेक्ट इसको इस तरीके से पकड़ो और यहाँ पे अपने इसके अंदर ले आओ इस तरीके से, और यहाँ पे सेट करके लाइक दिस, तो फिर फॉर्मेट करते हैं है ना, और इसको कोई सेव दे देते हैं लाइक सर। क्लियर है, एनिमेशन। तो इस तरीके से मैंने ये सब जिप फाइल ढूंढा है भाई, टॉपिक से रिलेटेड मैंने चीज़ें सर्च की और उससे रिलेटेड मैंने चीज़ों को जिप फाइल, आपको हर टॉपिक, आजकल गूगल में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि हर टॉपिक से आपको जिप फाइल हिलता डलता इमेज आपको मिल ही जाएगा, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा एनिमेशन ये सब चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटेंट को आप कंटेंट लिखने, उसे कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों पे, बाकी आपके उस कंटेंट से रिलेटेड आपको एनिमेशन ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको गूगल में जिप फाइल में अवेलेबल है, यूज़ कीजिए मज़े लीजिए। ठीक है, दूसरा है या तो जैसे मैंने इंसर्ट करना आपको इमेज बताया, दूसरा कि मान लो आपने इस इमेज को राइट क्लिक करके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे है ना, लाइक दिस डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब मैं इसको इंसर्ट कैसे करूं सर, इमेज मुझे इमेज इंसर्ट करना है तो कैसे करूं? तो यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, पिक्चर आपको आ रहा होगा यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए है ना, आप डेस्कटॉप पे जाइए, आपको इमेज कहाँ गया ये रहा, इसको इंसर्ट कर ये लीजिए सर आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं है ना, इसको यहाँ से लेते हैं ये, ठीक है इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पिक्चर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो एल्बम, काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए, जैसे ब्लॉक डायग्राम में पढ़ाना है तो इसका कलर चेंज कर सकते हो लाइक यहाँ काफ़ी सारे फॉर्मेट में ये कलर में चाहिए है ना, इसका आप क्या, इसको मिरर इफेक्ट चाहिए, ग्लो कराना है आपको तो इस तरीके से ग्लो करा सकते हो, और भी क्या टेढ़ा मेढ़ा रिफ्लेक्शन चाहिए तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन कर सकते हो है ना, और बहुत कुछ किया जा सकता है यार, पावर पॉइंट भरमार है। एनिमेशन करना है ना आपको पढ़ाने टाइम पे, देन पावर पॉइंट इज बेस्ट, कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनिमेशन किया जा सकता है। तो मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया है, थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आपको पावर पॉइंट सीखना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, तो एक अपन सीरीज़ लेकर आएंगे स्पेशली फॉर टीचर्स, इस तरीके से पावर पॉइंट को यूज़ करें है ना, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो सीरीज़ ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल सिर्फ टीचर्स पे फोकस करता है, सो टीचर्स आपका फर्ज बनता है हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट करना, ताकि अपन ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।